अल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अगर आपने बेल आइकॉन को भी ऑन नहीं किया उसको भी ऑन कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और नंबर दो, आप अगर रूहानी इलाज इस्तखारा या कोई ऐसा मसला है, कारोबार बंदिश कारोबार का कोई मसला है तो अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। सिर्फ एक दफा अपनी इस बहन से अपनी बात कहें, अगर कोई भाई है बहन है तो जरूर राब्ता करें, इंशाल्लाह जहां तक हो सका इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी मदद की जाएगी। आपकी बहन आपको नाउम्मीद नहीं करेगी। मुझे खुद भी आपके लिए पढ़ाई करनी पड़ी या मुझे खुद भी आपके लिए अमल करना पड़ा तो इंशाल्लाह आपकी बहन आपके प्यारों से आप जिस मकसद के लिए भी अमल करवाना चाहते हैं, रिश्तों की बंदिश के लिए अमल करवाना चाहते हैं, जरूर आपकी मदद करेगी। आज की सबसे प्यारी अहदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की अल्लाह ताला कयामत के दिन इनकी पर्दापोशी करेगा। सुभान अल्लाह, हमने भी 100 गुनाह किए, 100 हमने भी बहुत ज्यादा, हम खुद गुनाहगार हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत हमने तो बहुत नमाजें पढ़ी, कुरान पाक पढ़े। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं अपनी इबादत जो किए हुए हैं, जैसे नमाज हो गया, कुरान पाक हो गया, जिक्र जिक्रात हो गया, मैं वो माफ कर दूंगा। हकूक इबाद जो है, जो हकूक अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं हकूकुल्लाह माफ कर दूंगा लेकिन हकूक इबाद नहीं माफ करूंगा। लोगों के साथ जो आपने किया होगा वो उसको कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे बंदे में अपने बंदे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं तो उनके ऊपर की हुई गलती को कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आप लोग इस बात को समझ जाएं तो यकीन माने कि कभी भी आप गुनाह ना करें, कभी भी आप कुछ गलत ना करें। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब की अहमियत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें अगर इरशाद फरमाया है, अगर आप इस चीज को समझते हैं, अपने नबी के प्यारे उम्मती हैं, तो आप थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें, ठीक है। किसी को बुरा ना कहें, किसी को किसी के साथ किसी का दिल जारी ना करें, किसी का दिल ना तोड़ें। आप यकीन माने कि जो भी आप दुआ मांगते हैं वो भी कबूल होती है, जो आप अमल करते हैं वजीफा करते हैं वो भी कबूल। आज मैं जो तरीका आपको बताने लगी हूँ अमल और वजीफे का, सिर्फ 3 मरतबा आपने पढ़ना है। और अगर आपके पास तस्वीर है तस्वीर पे दम करें, अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो तस्वीर मिलाकर उसको दम करें। जिस प्यारे के लिए आप वजीफा करें एक दफा ये वजीफा जरूर कीजिएगा, अपने प्यारों को मिलाने के लिए। अपनी जो है आजकल देखें, हर कोई सोचता है हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, अपने प्यारों से बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब उनके लिए कोई अमल कोई पढ़ाई या कोई दुआ करे। अल्लाह पाक नीयतें देखते हैं ना, अल्लाह पाक दिलों के हाल देखता है कि कोई किसी के लिए कितना प्यार रखता है, कितनी तड़प रखता है, कितनी जो है इसके लिए आग जलन रखता है। तो जितनी आपकी मोहब्बत, जितना आपका पढ़ाई में जो है तसव्वुर आपका मजबूत होगा, पढ़ाई में आपकी ताकत होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है आपका अमल भी कामयाब होगा। अमल का तरीका सबसे पहले सुन लें, कच्चा अदरक लहसुन प्याज आपने परहेज लाजिम करना है, ये चीजें नहीं आपने खानी। नंबर 2, पाक साफ कपड़े बावजू नफले 2 हाजत पहले पढ़ें। अगर आप अमल को वाकई कामयाब करना चाहते हैं नफले 2 हाजत पढ़ें, अगर आप नहीं नफल हाजत पढ़ते तो सिर्फ अमल करें, ठीक है। सूरह कौसर 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने नाम लेना है, अपना नाम अपनी वालदा का नाम, उसके बाद आला खूब सूरह कौसर पढ़ के, उसके बाद अपना नाम अपनी वालदा का नाम आला खूब, जिसके लिए आप अमल करें उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। कितना भी कोई दूर हो, कितना भी कोई नाराज हो, कोई कितना भी रूठ चुका हो, आप तसव्वुर में लाके दम करें। यकीन माने हर कोई आपसे मोहब्बत चाहत करेगा, जिसके लिए अमल करेंगे वो आपका वैसे ही दीवाना हो जाएगा, आपसे वैसे ही बहुत प्यार करेगा। शोहर का मसला हो, बीवी का मसला हो, मियां बीवी का मसला हो, अपने प्यारों को पाने का मसला हो, सास ससुर ससुराल का मसला हो, अगर आपके घर रिश्तों की बंदिश है, रिश्ते नहीं आते, उसका मसला हो, तो ये अमल जरूर करें। एक दिन का एक ही दफा का अमल, वक्त ईशा की नमाज के बाद का, कपड़े पाक साफ और बावजूद, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको नाउम्मीदी नहीं होगी।
इसी के साथ इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई मसला, कोई परेशानी ज्यादा बड़ी है, अपनी इस बहन को याद करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका साथ भी दूं, आपके लिए अमल भी करूं, जो आपके हिसाब और इस्तखारे में या आपके जो अमल आता है, ये जो अमल आपके लिए बेहतर है, आपके नाम से, आपकी वालदा के नाम से पता लगता है, वो अमल करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब, एक दिन के अंदर अंदर कामयाब होंगे, तो ये जरूर करें। जज़ाकअल्लाह खैरा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आपको कोई भी मसला है, जादू, जिन्नात, असेब, किसी भी किस्म का मसला है, घर में किसी भी किस्म की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, रिस्क की बंदिश, कारोबारी परेशानी, कारोबारी बंदिश, बाहर जाने का मसला, बाहर जाने की बंदिश, या किसी भी किस्म का घरेलू झगड़ा, परेशानी, इवन तलाक तक का मसला हो, तो अपनी इस बहन को याद करें और चैनल पे आके हमारे या फेसबुक पे आके हमसे बात करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करूंगी। किसी भी किस्म का झगड़ा है, किसी भी किस्म की शादी का मसला है, बच्चों की शादी का, प्यार का, मोहब्बत का, किसी भी किस्म का, अपने प्यारों को पाने का, किसी भी किस्म का मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और अहदीस को फैलाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फर्ज निभाएं।